में तिनका, ये विपक्षी दल जो बिहार में एक नहीं हो सके और दिल्ली में एक नहीं हो सके, आज मरता क्या ना करता, डूबते को तिनके का सहारा मिलने के नाम पर इस प्रकार के घटनाएं कर रहे हैं। ये कुछ कर ले, अंततः गत्तो हार इनकी होगी और काला धन के रक्षक के रूप में इस वक्त इस योजना के विरोध में बोलने वाले व्यक्ति और संगठन को पहचाना जाएगा। जायसवाल साहब, कांग्रेस के तेवर इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने तल्ख हैं इस मुद्दे को लेकर? वो बिल्कुल पीछे आप हटने के मूड में नहीं, चूंकि एक कांग्रेस के नेता इनसे राजबब्बर से पहले भी बोल रहे थे कि हिटलर, गद्दाफी और मुस्लिम के शासन में, उनके राज में ये सब हुआ करता था, अब जो मोदी सरकार में हो रहा है। इंदिरा गांधी ने जो इमरजेंसी लगाई थी, आपातकाल लगाया था, उसके बारे में अपनी गिरेबान झांक कर देखेंगे कांग्रेस के नेता? आपातकाल लगाकर देश में लोकतंत्र की हत्या की थी, तानाशाही की तरफ देश को ढकेला था। आज को तानाशाही तो नहीं है, आज काले धन वाले लोगों को से मुक्ति के लिए यदि प्रयास किया, पहले दिन नकली करेंसी खत्म हो गई नहीं हो गई? तो मेरा निवेदन इतना है कि काला धन जिनके पास है उन्हीं के पेट में दर्द है और चोर की दाढ़ी में तिनका। चलिए, शुक्रिया लक्ष्मीकांत वाजपेयी साहब आपका हमसे बात करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। चोर की दाढ़ी में तिनका, ये लक्ष्मीकांत वाजपेयी, यूपी बीजेपी के नेता, वो कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन कांग्रेस कानपुर में, कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हुए, मांग की जा रही है आरबीआई गवर्नर बाहर आए, उन कांग्रेसी नेताओं से बात करें, और दूसरा, व्यवस्था को खराब करने की कोशिश मोदी सरकार ने की है, देश में अव्यवस्थित माहौल कर दिया है, इस तरह का आरोप कांग्रेस के नेता लगा रहे हैं। और हमने इस पर बीजेपी के नेता लक्ष्मीकांत वाजपेयी से बात की तो उन्होंने कहा कि चोर की दाढ़ी में तिनका जैसा है, कांग्रेस नहीं चाहती कि देश से काला धन खत्म हो। नोटबंदी के मुद्दे पर कांग्रेस किस तरह से हंगामा कर रही है, विरोध कर रही है, प्रदर्शन कर रही है, इन तस्वीरों से आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं। कानपुर के आरबीआई दफ्तर के बाहर का ये नजारा है जहां महिला कांग्रेसी नेता महिला पुलिसकर्मियों से भिड़ गई, धक्का मुक्की करने लगी, बहस करने लगी, और कैसे झड़प हुई यहां पर पुलिसकर्मियों के साथ महिला कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की, ये तस्वीरों में आप देखिए। बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का जमावड़ा आरबीआई दफ्तर के बाहर कानपुर में, और थोड़ी देर पहले हमने राज बब्बर को भी सुना जो कह रहे थे कि आरबीआई के गवर्नर बाहर आए, हमसे बात करें, हमारी समस्याओं को सुने, ये डिमांड भी कांग्रेस ने की है। लेकिन जो विरोध है वो नोटबंदी को लेकर है, मोदी सरकार के उस फैसले को लेकर है जिसमें सरकार ने कहा है कि नोटबंदी से काले धन पर चोट होगी, लेकिन कांग्रेस इसे आम लोगों से जोड़कर यह कहने की कोशिश कर रही है कि यह आम लोगों को समस्याओं में डालने की यहां पर सरकार ने कोशिश की है। तो साफ है कांग्रेस संसद से सड़क तक इस मुद्दे को भुनाने की पूरी कोशिश में है, और कहीं पर भी इस मुद्दे को कांग्रेस लूज नहीं छोड़ना चाहती। लिहाजा संसद में तो गतिरोध बरकरार है ही नोटबंदी के मुद्दे पर, सड़क पर भी कांग्रेस जो है वो हंगामा कर रही है, विरोध कर रही है, प्रोटेस्ट कांग्रेस का आप साफ देख सकते हैं। कानपुर की ये तस्वीरें हैं जहां आरबीआई दफ्तर के बाहर जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन इस वक्त चल रहा है, भारी संख्या में पुलिस बल वहां पर मौजूद है इन कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर आए, बातचीत करें, उनको उनकी समस्याएं सुने, और एक बार फिर से आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहना है कांग्रेसी नेताओं का। जो मोदी जी कहते थे 90% उनके फेवर में है, आके देख ले कितने फेवर में है जनता। हम लोग राज बब्बर जी के नेतृत्व में जो कि जनता का धन, उसकी गाढ़ी कमाई का नरेंद्र मोदी सरकार निकालने नहीं दे रही।
लूट कर रही है जनता की गाढ़ी कमाई का, उसी के लिए शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन करने के लिए हम आए हैं कि हमारा धन हमको वापस किया जाए, यही हमारी हमारे आज के यात्रा का उद्देश्य। मुझे उम्मीद है सद्बुद्धि आएगी, बिना तैयारी के जो ये किया गया है, ये तीन देशों में हुआ है, जहां हिटलर था, जहां पर कर्नल गद्दाफी था, जहां पर मुसोलिनी था, किसी लोकतांत्रिक देश में आज तक ऐसा नहीं हुआ है। तो ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कानपुर में प्रदर्शन की तस्वीर है, लखनऊ में भी जो है कांग्रेस विरोध में उतरी है और अपने अपने तरीके से अलग अलग जगहों पर कांग्रेस विरोध प्रदर्शन कर रही है। लखनऊ की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां कांग्रेस के महिला कार्यकर्ता, महिलाओं का ये हुजूम, महंगा राशन, महंगी दाल, इस तरह के नारों के साथ विरोध के लिए सड़क पर उतरी। तो वहीं कानपुर में भी अभी हमने आपको बयान भी सुना नेताओं के, यहाँ पर राज बब्बर की अगुवाई में ये प्रदर्शन, एक मार्च जो निकाला गया है, आरबीआई के गवर्नर बाहर आए, बातचीत करें, इस तरह की मांग, और मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी वहाँ पर की जा रही है, नोटबंदी के फैसले के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। इस मुद्दे पर मोदी सरकार पर निशाना कांग्रेस के कार्यकर्ता साध रहे हैं। कैसे पुलिस के साथ धक्का मुक्की हो गई कांग्रेस कार्यकर्ताओं की, महिला कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की, ये भी आप तस्वीरों में देख रहे हैं। तो कांग्रेस चाहे कानपुर में हो या फिर लखनऊ में, विरोध कहीं पर भी कांग्रेस धीमा नहीं कर रही है, हर जगह पर कांग्रेस जो है इस मुद्दे के साथ सड़क पर उतरी हुई है। नोटबंदी का ये फैसला तानाशाहीपूर्ण फैसला है, ये बात कांग्रेस की तरफ से बार बार कही जा रही है। हालांकि संसद में भी हम आपको बता दें कि गतिरोध इस मुद्दे पर सरकार को लेकर कांग्रेस का रुख आक्रामक ही है। तो उत्तर प्रदेश में चूंकि चुनाव भी है, लिहाजा ये मुद्दा चुनाव के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण है, और कांग्रेस इस मुद्दे के साथ ऐसा दिख रहा है, जिस तरीके से कांग्रेस विरोध कर रही है, कि कांग्रेस इस मुद्दे के सहारे फ्रंट फुट पर आने की कोशिश कर रही है और फ्रंट फुट पर खेलने की भी कोशिश कांग्रेस की होगी आने वाले चुनाव में। तो नोटबंदी के मुद्दे को लेकर कांग्रेस के तेवर बिल्कुल भी कम नहीं हो रहे हैं, और जैसा कि हम तस्वीरों में देख रहे हैं, चाहे तस्वीर कानपुर की हो, चाहे तस्वीर लखनऊ की हो, चाहे तस्वीर दिल्ली की हो, हर जगह पर कांग्रेस का ये प्रोटेस्ट देखा जा रहा है। कानपुर और लखनऊ की तस्वीरें फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे अलग अलग तरीके से यहाँ पर नोटबंदी के खिलाफ विरोध जो है वो देखा जा रहा है। कानपुर में कांग्रेस, यूपी कांग्रेस के नेता राज बब्बर की अगुवाई में ये प्रदर्शन मार्च, प्रोटेस्ट मार्च जो है वो निकाला गया है, और वहां पर महिला कांग्रेसी कार्यकर्ता की झड़प भी हुई है महिला पुलिस कर्मियों के साथ में। बहुत धक्का मुक्की भी आप देख रहे हैं तस्वीरों में कि किस तरह से पुलिस से भिड़ गई ये महिला कांग्रेसी कार्यकर्ता। तो चूंकि राज बब्बर के नेतृत्व में ये प्रदर्शन, ये प्रोटेस्ट मार्च जो है वो निकाला गया, तो उनका क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। विरोधी विपक्ष उन पर इल्जाम लगाता है कि तैयारी नहीं की सरकार ने, दरअसल तैयारी लोगों की नहीं थी। शर्म आनी चाहिए प्रधानमंत्री को, शासन प्रशासन वो कर रहे हैं, देश के अंदर अफरा तफरी का माहौल वो पैदा कर रहे हैं, तैयारी उनकी होनी चाहिए। जब ये मामूली सा पुलिस वाला चार बैरिकेड के साथ में अपनी तैयारी के साथ में लाखों लोगों को रोक सकता है, तो क्या प्रधानमंत्री जी आपकी समझ में नहीं आते हैं कि 125 करोड़ का ये मुल्क, अगर आपने तैयारी की होती तो आज सड़कों पर अफरा तफरी नहीं होती, आज बहनों के भाई फांसी नहीं लगाते, आज बेटियों के बाप फांसी नहीं लगाते, आज 75 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, और आज मजदूर बेरोजगार हो रहा है, पलायन कर रहा है। पर आपने देखा होगा यहीं पे जो अस्पतालों के अंदर जो रेल कांड में जो मरे हैं, जो दुर्घटना में मरे हैं, जो दुर्घटना,
हमारे साथ बीजेपी के नेता आरपी सिंह साहब फोन लाइन पर हैं। आरपी सिंह जी, आपने राजबब्बर को अभी सुना, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं इतना कहता हूं कि अभी खिसियानी बिल्ली खम्भा नोचने वाली बात हो रही है, वो असल में जो मुद्दा है मूल मुद्दे पे नहीं आ रहे, वो इसके साथ है जिसके विरोध में है, वो ये तय करते हैं कि वो काले धन के साथ है काले धन के विरोध में है। दिक्कत ये होगी, इतने सालों में 10 सालों में जो पैसा कमाया है पिछले इन्होंने कोई, वो पैसा कहाँ लगाए, कहाँ टिका लगाए, ये दिक्कत हो रही है। एक इनके नोट तो गए, अब इनको अगली दिक्कत हो रही है वोट की। अब ये वोट बटोरने के लिए जनता में नकली आक्रोश खड़ा करने की कोशिश करें। आप जनता और आवाम से पूछिए, जनता बड़ी खुश है इससे, आवाम बड़ा खुश है कि पहली बार गरीब और अमीर का जो फासला कम हो रहा है। और इसमें अगर हम कुछ भी जानकारी पहले आती तो ये क्या लगता है ये छोड़ते क्या, ये सबके सब अपने सब मामला पक्का करते, सब अपने पैसे घुमाते। दिक्कत इनको है कि इनको मौका नहीं मिल रहा। और मैं जो वापस कहना चाहता हूं, मैं चेताना चाहता हूं, कृपा करके समझ लें, इसके बाद और बड़ी कड़ाई है और कल फिर ये और हल्ला करेंगे। इसलिए ये जनता को आक्रोश में लाना, नकली आक्रोश खड़ा करना बंद करें, अपनी चिंता करें। जो पिछले 10 साल में 12 लाख करोड़ का बही खाता इनके पास है, उस बही खाते को अब इनके पास जलाने के अलावा, लोहड़ी आएगी, अभी मकर संक्रांति आएगी, मकर संक्रांति पे रच के जलाएं, और इसके बाद जो बेनामी प्रॉपर्टीज है उसकी अपनी चिंता करें। आगे आरपी सिंह साहब, चूंकि आपने भी सुना राजबब्बर को, वो कह रहे हैं 75 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, व्यवस्था नहीं थी, लिहाजा इस तरह की चीजें हो रही हैं। मैं माफी चाहता हूं, ये फिर एग्रीगेट कर रहे हैं खामखा में। इन्होंने एक भी सजाव ऐसा दिया जिससे ये लग रहा कि हाँ इसको और इस ढंग से बेहतर कर लें। और मौतों के कारण तो अभी जानकारी मिलेगी तो पता रहेगा मौत के कारण क्या। हम भी मानते हैं दिक्कत है, लोगों को कष्ट है, लोग बीमार है, लाइन में खड़े होते हैं तो हो सकता है कुछ दुर्घटना और घटना भी हो जाए, किसी की मौत भी हो जाए, उसके लिए सचमुच अफसोस है। परंतु इतना बड़ा क्रम हो रहा है देश के अंदर, पूरी देश के अंदर एक नई क्रांति हो रही है, इस प्रकार की नई क्रांति हो रही है। और उस समय ये लोगों को बरगलाएं और लोगों में एक आक्रोश नकली खड़ा करने की कोशिश करें या देश में दंगा जैसी स्थिति खड़ा करने की कोशिश करें तो कितना ताक संगत चाहिए। राजबब्बर साहब तो बड़े अच्छे थिएटरिक हैं, बड़े अच्छे थिएटर के आदमी रहे हैं, उनको थिएटरिक करने आते हैं, वो जितने मर्जी थिएटरिक कर लें, जितने मर्जी आंसू बहा लें, लोग समझ चुके हैं, इनकी समझ नहीं आई कि डाई कास्ट हो चुकी है। और अब वो लोगों की पल समझे, अब कोई अगला मौका मिलेगा, अपना कोई पैसा काले का है तो सफेद करने का मौका कर लें, उसमें उसका छूट मिलने वाली नहीं है। अल्टीमेटली हिंदुस्तान कैशलेस इकोनॉमी होगा और जिसके पास जहां पैसा होगा बैंक के माध्यम से इस्तेमाल होगा, ऐसे ही चलेगा, इनको समझ में आना चाहिए। इसमें ये लोगों को गलत रस्ते मत भरगाए, लोगों को ठीक रस्ते पे लेकर आए। विपक्ष का काम भी होता है कि देश को आगे बढ़ाना, विपक्ष का काम ये नहीं है कि देश में दंगे भड़काना। चलिए, शुक्रिया आरपी सिंह साहब आपका अपनी बात हम तक पहुंचाने के लिए, ये जो चीजें आपने रखी है उसके लिए बहुत शुक्रिया। बीजेपी के नेता आरपी सिंह साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे फोन लाइन पर। जाहिर है इस मुद्दे पर कांग्रेस बिल्कुल भी पीछे हटने के अब मूड में नहीं है। इस मुद्दे पर जहां जहां उसको मौका मिल रहा है, प्रदर्शन के साथ, विरोध के साथ कांग्रेस, चाहे वो संसद हो या फिर सड़क। आगे देखिए सिटी रिपोर्टर।